हाँ, चली गई है। ये मक्खी मुझे फिर से परेशान करने चला रही। हे लगता नहीं सीखा तूने कोई सबक पिछली सजा का। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी चकाता हूँ मैं तुम्हें मजा डुबा डुबा एक से टकराने का। अरे हो सत्यानाश उस मक्खी का जिसकी वजह से टूट जाती मेरी ये ईंधन की शीशी। अब नहीं छोड़ूंगा उसे। कहाँ गई, कहाँ गई? ए मक्खी, हो जाओ तैयार सजा पाने के लिए। कहाँ हो तुम? मुझे मुझे, अरे हाँ हाँ, हे किया तूने ये सब महाशक्तिशाली ईंधन पी के। पर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर वार का बदला लेगा मेरा मित्र बालवीर। अगर है दम तुझ में तो मत जाना छोड़ के ये परिलोक, क्योंकि अभी बुलाकर लेके आता मैं मेरे मित्र बालवीर को, वही सिखाएगा तुम्हें सही सबक। रानी परी, रानी परी, मैं जानता हूं रानी परी कि आप यही गई हैं। मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद महसूस हो रहा है। मुझे एक बार आवाज दीजिए रानी परी, रानी परी। बालवीर, रानी परी, मैं जानता था रानी परी कि आप अपने परिलोक और बालवीर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अपनों के दिलों से तो हम वैसे भी कभी दूर नहीं होते बालवीर। हम भले उनकी नजरों के सामने क्यों ना हो, लेकिन उनकी यादों में हम सदा बने रहते हैं। लेकिन हम समय से लड़ भी तो नहीं सकते, और ये वक्त आपकी हिम्मत हारने का नहीं बालवीर, बल्कि परिलोक की सुरक्षा और बच्चों की खुशियों की जिम्मेदारी लेने का है, और परिलोक की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का है। तो जाइए बालवीर, और याद रखिए कि आप अलग हैं, अनमोल हैं, अद्भुत शक्तियों के मालिक, एक असाधारण वीर योद्धा है। लेकिन रानी परी, परिलोक को आपकी जरूरत है। तो हम हैं ना यहाँ, और हमारे पहले जो रानी परियां थी वो भी यही हैं हमारे साथ, और हमारे बाद जो रानी परी बनेगी
वो भी निश्चित समय के बाद यहीं पर आएगी। समय बदलेगा, परिलोक बदलेगा, परियां बदलेंगी, लेकिन आप नहीं बदलेंगे बालवीर, क्योंकि तीनों लोकों में आप सिर्फ एक हैं। तो जाइए बालवीर और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। खुश रहो बालवीर, सदा खुश रहो। घर के परेशान बालवीर के मित्र डुबा डुबाए को उस शैतानी मक्खी ने है की बहुत बड़ी गलती। अभी बुलाता हूँ बालवीर को और लटकवा देता हूँ उस मक्खी से उल्टा, या फिर बनवा देता हूँ उस मक्खी से बच्चा। बाल क्रीम, अरे देखते ही इसे आ गया मेरे मुंह में पानी। इसलिए देता हूँ उस मक्खी को सजा पास में, पहले खा लेता हूँ ये हिम क्रीम। अंकल 3 आइसक्रीम दो और हमें 4। ना 3 मिलेगी ना 4। अच्छा तो 5 दे दो। आइसक्रीम की दुकान डालनी है अंकल, अब 3 ही आइसक्रीम दो। भाई मेरे पास सिर्फ 1 ही बची है। अच्छा तो ठीक है ना, बस आप और रोहित आगे जाके खा लो, मैं यही खा लेता हूँ। अंकल दो। 1 मिनट अंकल। रोहित तुझे आइसक्रीम खानी है? हाँ। मैं खेलो एकदम मस्त वाली आइसक्रीम। हाँ जी। कौन सी? अरे मैं खिला दूँ ना। हाँ। एक बार क्या? तुम दोनों यार चुपचाप खड़े रहो, वो बची हुई आइसक्रीम मैं खाऊंगा। लेकिन बॉस हम यहाँ खड़े रहकर क्या करेंगे? मेरा मुंह देखो। देख लेते बॉस, पर देखने वाले का मुंह तो अच्छा होना चाहिए। सॉरी सॉरी बॉस। आप वो एक आइसक्रीम मुझे दे दो, क्योंकि वो आइसक्रीम मुझे खानी है। ये आखिरी हिम क्रीम और है खाने जरा ये उसे, लेकिन नहीं खाने दूंगा इसे ये हिम क्रीम, क्योंकि है खानी मुझे ये। ये लो। ए, ये आइसक्रीम वापस कर, ये मेरी है। नहीं ये हिम क्रीम मेरी है, क्योंकि मेरी नजर पहले पड़ी थी इस पे। तेरी नजर पहले पड़ी थी ये पता नहीं, लेकिन बॉस एक पड़ेगी ना तो तुझे नजर आना बंद हो जाएगा। ए, डरता नहीं मैं किसी से। हाँ रोहित, आपको हिम क्रीम खानी है ना? हाँ। अरे ये आइसक्रीम क्या चीज है? मैं आपको इससे भी बढ़िया चीज खिलाता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा मुक्का। तुम सबने सही नहीं किया मेरा अपमान करके। ए चुप, अभी तक तेरा अपमान किया ही कहा है मैंने? अगले टाइम से मेरी चीज छीनने की गलती मत करना, समझे बच्चे? Sense.
सबक सिखाऊंगा बालवीर से इस मोंटू को मैं। वो बुलाता बालवीर को अभी। था मुझे इसी पल का इंतजार सदियों से कि कब बनूंगा मैं प्रधान। लेकिन देखो मेरी किस्मत, था बनना मुझे राजा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, किसने कहा कि तुम बन गए हो यहाँ के राजा? मैं बनूंगा दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम यहाँ का राजा और तुम प्रधान। करो शर्म, मत करो मेरा दिमाग गरम, वरना परस्ते लगेंगे आग के गोले। दगड़दुम, सच में आ रहा है आग का गोला। किधर? सामने। अरे सामने तो दिख रहा हूँ। मेरे सामने। अरे ये आग का गोला कर देगा मेरा। नहीं 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 नहीं। आंखें खोलो, तौबा तौबा। अरे ये चल परी की आवाज है, लगता मुझे गया मैं पहुंच अथवा ब्रह्मांड के चक्र में। बेवकूफ, मैं छल लोक में ही हूँ तुम्हारी नजरों के सामने, और वो भी जीवित। चल परी आप। बालवीर, 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 डुबा डुबा एक तुम यहाँ। बस बालवीर बस, तुम्हारे सवाल बाद में, पहले मेरे जवाब सुनो, पहले मेरे सवाल सुनो। हाँ तो पूछो। क्या? अरे सवाल। अरे हाँ है मेरा सवाल। के बालवीर बताओ, क्या मानते हो तुम मुझे अपना मित्र? ये कैसे सवाल है? है सवाल अपने मित्र तथा। बालवीर बताओ, क्या तुम मुझे अपना मित्र मानते हो? नहीं बोलो कि हो तुम मेरे मित्र। हाँ हाँ, तो मैं हूँ तुम्हारा मित्र, ठीक है। अच्छा, अगर तुम मानते हो मुझे अपना मित्र, तो ये भी मानते होंगे कि एक मित्र के अपमान का बदला लेना है परम कर्तव्य एक मित्र का। हाँ हाँ डुबा डुबाई, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। अपमान, घोर अपमान है क्या उस मोंटू ने मेरा अपमान, और भी बच्चों के सामने। बालवीर दे दो तुम सजा उस मोंटू को, और ले लो मेरा अपमान का बदला। लेकिन डुबा डुबाई, मोंटू ने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन कैसे, और तुम यहाँ पृथ्वी लोक पे क्या कर रहे हो? अब वो दरअसल आया था मैं पृथ्वी लोक पे तुम्हें बुलाने, तो दिख गई सामने मुझे वो हिमक्रीम। तो जब गया मैं वो हिमक्रीम लेने, तो आया वहां पर वो मोंटू और छीन ली मेरे हिमक्रीम और किया मेरा अपमान बच्चों के सामने। लेकिन डुबा डुबाई, तुम्हें पता है ना कि बिना परियों की आज्ञा के तुम्हारा पृथ्वी लोक पे आना मना है। हाँ हाँ, वो जानता मैं कि हो गई मुझसे भूल, और मिलनी चाहिए मुझे इसकी सजा। लेकिन मुझसे पहले दे दो तुम सजा उस मोंटू को, और ले लो मेरे अपमान का बदला। ठीक है, सजा तो मैं दूंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं खुद जांच करूंगा कि गलती किसकी है, उसके बाद मैं सजा दूंगा, ठीक है? हाँ तो करो जांच, करो। वो नहीं मैं डरता। मेरे पास सिर्फ एक ही बच्ची है। आप वो एक आइसक्रीम मुझे दे दो, क्योंकि वो आइसक्रीम मुझे खानी है। ए, ये आइसक्रीम वापस कर, ये मेरी है। नहीं, ये आइसक्रीम मेरी है, क्योंकि मेरी नजर पहले पड़ी थी इस पे। हाँ, ये भी बढ़िया चीज खिलाता हूँ, मेरा मुक्का। गलती तो हुई। हाँ, लेकिन मोंटू से नहीं, तुमसे। मोंटू ईमानदारी से पैसे देकर हिमक्रीम खा रहा था, लेकिन तुमने वो हिमक्रीम उससे छीनना चाहिए, यही तुम्हारी गलती है, इसलिए
सजा मोंटू को नहीं तुम्हें मिलेगी। अरे क्या बालवीर तुम भी, अब नहीं देनी मुझे किसी को भी सजा। जैसे हो तुम मेरे मित्र, ठीक वैसे है वो मोंटू मेरा मित्र। पृथ्वी लोक के सारे बच्चे हैं मेरे मित्र। कर रहा था मैं तो मजाक, डुबा डुबा एक। अब तुम सीधे परीलोक जाओ, वरना परिया तुम्हें सजा देंगी, समझे? अब है ठीक, हो जाता मैं। अरे बालवीर तो चला गया, लेकिन उसे मक्खी को सजा देने वाली बात बतानी तो रहेगी। काश होता मैं भी महाशक्तिशाली, तो कर देता उस मोंटू की जमकर पिटाई। नहीं है वो मोंटू बहुत शक्तिशाली। वो मोंटू बहुत शक्तिशाली और हूं नहीं मैं इतना शक्तिशाली। अरे शक्तिशाली क्या, बन सकता हूं मैं महाशक्तिशाली अगर पी लूं मैं वो नटखट परी का बनाया हुआ महाशक्तिशाली ईंधन। महाशक्तिशाली ईंधन, चल परी को मेरा सलाम, चल परी को मेरा सलाम, चल परी को मेरा सलाम। दगड़ धूम धूम, दगड़ धूम धूम। चल परी आपको जीवित देख के आ गया मजा, पर किसी को तो मिलेगी अब सजा। वैसे चल परी है कहाँ? परी भयंकर, मैं और भयंकर परी हम दोनों ही जीवित हैं। है परी भयंकर भी जीवित? अरे हुई कैसे ये दुर्घटना, मतलब हुआ कैसे ये चमत्कार? हाँ, छल परी के छल से हुआ है ये चमत्कार। या का शक्न मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। अगर मैं एक बार इसमें चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं क्या करूं? नहीं, नहीं, परी, तुमने अपनी समझदारी से हमें उस आकाश चक्र में जाने से बचा लिया। हम तो बच गए, लेकिन उन परियों को अब हमसे कौन बचाएगा? चलो भयंकर परी, उन परियों के सुर ताल बिगाड़ते हैं। नहीं चल परी, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। क्षमा करो, अब अकेले ही तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा। जब तक मैं अपनी सारी शक्तियां वापस ना हासिल कर लूं, करारा जवाब देना उन परियों को। चल परी, अपनी बुराई को हारने मत देना। जाओ चल परी, जाओ। परियों ने चाल तो सही चली थी मुझे हमेशा हमेशा के लिए आकाश चक्र में फंसाने की, लेकिन मैंने उनकी इस चाल को नाकामयाब कर दिया। लेकिन अब जो मैं खेल खेलूंगी परियों और बच्चों के साथ, उसमें बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा।